हेलो गाइस, आई होप यू आर वेल। सो आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक मर्डरर्स के बारे में, जिन्होंने अपने पूरे लाइफ में बहुत सारे कत्ल किए हैं। और बात खून खराबे की हो रही हो तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा आपको डराने वाली है। सो दिल थाम के बैठ जाइए और आखिर तक हमारे वीडियो में जुड़े रहिए। आज के हमारे 5 डेडली सीरियल किलर के लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है जेफरी डैमर का। जेफरी एक अमेरिकन सीरियल किलर थे जो मिलवाकी में रहते थे, जो अपने लाइफ में 17 से भी ज़्यादा आदमियों का कत्ल कर चुके हैं। जेफरी पहले तो हर एक विक्टिम को सेड्यूस करते थे या फिर किसी चीज़ का लालच दिखा के अपने अपार्टमेंट में लेके जाते थे। अपार्टमेंट में ले जाने के बाद उन लोगों का कत्ल कर देते थे। कत्ल कर देने के बाद वो डेड बॉडीज़ को बहुत ही ब्रूटली काटते थे और उनके खोपड़ी को अपने घर में ऐसे शोपीस सजाते थे। जेफरी ने तो ये तक एडमिट किया है कि वो डेड बॉडीज़ के मांस को खाते हैं। एक दिन जेफरी के एक विक्टिम किसी तरीके से जेफरी से एस्केप पा लेते हैं और वेरी लकीली उसी दिन उसी अपार्टमेंट के नीचे से कुछ पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी और वो पुलिस पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस विक्टिम को देख लेती है और उसके बाद वो जेफरी को पकड़ लेती है। जेफरी को पकड़ने के बाद जेफरी को 900 साल का सजा दिया जाता है, लेकिन 1994 में ही जेल में जेफरी डैमर की मौत हो जाती है। सेकेंड नंबर पर हम आते हैं कॉलिन आयरलैंड के बारे में, जो एक फॉर्मर ब्रिटिश सोल्जर थे। कॉलिन के शिकार थे होमोसेक्सुअल्स। वो मानते थे कि नॉर्मल पर्सन के बजाय होमोसेक्सुअल्स को मानना उनके लिए आसान होगा और इसी तरीके से कॉलिन एक सीरियल किलर बन जाते हैं। किसी भी कत्ल के आगे कॉलिन अपने घर के हर सदस्य के फोटो को घुमा के रखते थे, जिससे कि वो इस क्राइम को अपनी आंखों से न देख पाए। ऐसे करते करते कॉलिन के सर में ह्यूमन किलिंग का भूत चढ़ जाता है। कॉलिन का सबसे पहले शिकार थे एक थिएटर के डायरेक्टर पीटर वॉकर। वो पहले तो उनका सांस रोक के उन्हें मार देते हैं, फिर उन्हें नंगा करके उन्हीं के बिस्तर में बांध देते हैं। कॉलिन हर एक कत्ल के आगे पुलिस को पहले से ही अगवा कर देते हैं, लेकिन पुलिस कभी भी कॉलिन को ढूंढ नहीं पाती है। इसी तरीके से कुछ ही दिनों के अंदर कॉलिन 5 खून कर लेते हैं। एट लास्ट कॉलिन का आखिरी शिकार इमानुएल स्पिटेरी, जो एक गैंग क्लब के मेंबर थे, उनको वो किडनैप करके अपने घर में ले जाते हैं। बट फॉर्चुनेटली स्ट्रीट साइड सीसीटीवी फुटेज में वो पकड़े जाते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर पुलिस भी उन्हें मिल जाती है एंड कॉलिन आयरलैंड को बहुत सालों का सजा दिया जाता है। और 21 फरवरी 2012 में कॉलिन आयरलैंड, जो बहुत ही एक खतरनाक सीरियल किलर थे, उनका मौत हो जाता है। थर्ड नंबर पर आते हैं डेनिस एंड्रयू नीलसन के बारे में, जो एक स्कॉटिश सीरियल किलर थे, जिन्होंने 1978 से लेकर 1983 तक 12 से भी ज़्यादा कत्ल कर चुके थे। इन विक्टिमों में से ज़्यादातर यंग मैन और बॉयज़ ही मौजूद थे। ये भी अपने विक्टिम्स को कुछ बातों के बहाने अपने घर में लाते थे और घर में ला के वहीं पर उनका खून कर देते थे। डेनिस उन डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करके रखते थे और उन डेड बॉडीज़ के साथ कुछ दिनों तक एक ही बिस्तर में वो सोते थे, जब तक ना उस डेड बॉडी से बहुत ज़्यादा स्मेल निकलना शुरू करे। जब डेड बॉडी पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, तब डेनिस उन बॉडी को काट के एक एक करके जला के उनको उसके घर के पास ही मौजूद एक ड्रेन में बहा देते हैं। बट एक दिन डेनिस गलती से एक बॉडी पार्ट को ना जला के ही उस ड्रेन में बहा देते हैं, जिससे क्या होता है, अगले ही दिन एक प्लम्बर को वो बॉडी पार्ट मिल जाता है, जो एडमिट करता है कि ये एक ह्यूमन बॉडी पार्ट है। अब दोस्तों, जिस ड्रेन में डेनिस इन बॉडीज़ को बहाता था, उस पूरे मोहल्ले में डेनिस ही इस ड्रेन को यूज़ करता था, तो सबका सबसे पहला शक होता है डेनिस के ऊपर और कुछ ही दिनों के अंदर ये प्रूफ हो जाता है कि डेनिस ही वो सीरियल किलर है एंड 1983 में उनको लाइफ टाइम जेल का सजा दिया जाता है। एक लाइव कॉन्फ्रेंस में डेनिस कहते हैं कि वो बहुत अकेले थे, इसी वजह से उन्होंने सीरियल किलिंग शुरू किया। डेड बॉडीज़ उनके लोनलीनेस को भगा देती है। इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि डेनिस एक दिमागी मरीज थे। फोर्थ नंबर पर हम आते हैं रिचर्ड चेस के बारे में, जो एक अमेरिकन सीरियल किलर थे। इनका भी मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। ये मानते हैं कि कुछ नाजियों ने मिलके इनके साबुन में एक ऐसा जहर मिला दिया है कि उनका खून एक पाउडर में बदल जाएगा। इसी वजह से रिचर्ड को हर वक्त लगता है कि उनका खून ख़त्म होने वाला है। इसी रीज़न के चलते रिचर्ड ने सीरियल किलिंग जैसे रास्ते में आने के बारे में सोचा। ये अपने विक्टिम को शूट करके मारता था।
एंड देन मार देने के बाद उन डेड बॉडीज के साथ सेक्स करता था। कत्ल के बाद हर वक्त रिचर्ड उन डेड बॉडी से मिला खून से नहाता था। रिचर्ड के विक्टिम्स स्पेशली छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने तो एक बार ऐसा भी कहा था कि डेड बॉडीज के इंटरनल बॉडी ऑर्गेंस और खून ही उनका मेन खाना था। आखिरकार उन्हें पकड़ा गया और गैस चैम्बर में रखने का सजा दिया गया। हाउएवर 26 दिसंबर 1980 में जेल में ही उन्होंने सुसाइड करके अपनी जान ले ली। फिफ्थ नंबर पर हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट ब्लैक के बारे में। दोस्तों ये भी एक अमेरिकन सीरियल किलर थे। रॉबर्ट एक वैन ड्राइवर थे और एक वैन ड्राइवर बहुत सारे जगह में जाते हैं और बहुत सारे लोगों के इंटरेक्ट में आते हैं, जो एक सीरियल किलर के लिए परफेक्ट कंडीशन है। रॉबर्ट के विक्टिम्स थे स्पेशली छोटे छोटे लड़कियाँ। 1981 से लेकर 1986 तक चार खून का इल्ज़ाम लगा था रॉबर्ट के ऊपर। लेकिन रॉबर्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने वाले पुलिस तो ये मानते हैं कि रॉबर्ट ने इससे कई ज़्यादा खून किए थे। रॉबर्ट छोटे छोटे लड़कियों को रास्ते से या फिर लोकल एरिया से किडनैप करते हैं जहां पर ज़्यादा लोग नहीं होते। और तो दोस्तों रॉबर्ट भी अपने विक्टिम्स को गला दबा के मार देते हैं। देन जब उनकी बॉडी पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है तब वो उनकी बॉडी को किडनैप किए जाने वाली प्लेस से बहुत दूर जाके जला देते हैं। रॉबर्ट को पकड़ा जाता है 1990 में एक 6 साल के छोटे लड़की को किडनैप करने के टाइम। देन रॉबर्ट ब्लैक को लाइफ टाइम जेल की सजा दिया जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कौन सा सीरियल किलर आपको सबसे खतरनाक लगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल साइंस एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को दबाना मत भूलना। आई होप हमारा चैनल आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट। और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए कि किस तरीके की वीडियो आप हमारे चैनल में देखना चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।